चला देख, चला चल छट 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 चल 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 छट चल बोल 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 कि नाम की है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये टीवी तूने दी है ना इसे? हाँ बोल, टीवी तूने दी है, शुगर भी तूने दी है, इसके पैरों में जो दर्द है वो तूने दी है। चल फिर आज तेरा तेरा लास्ट दिन है। चल देखो इनके रोने से पता चलता है कि जो बंदा परेशान है दुखी है। हाँ हेलो, कहते हैं ये ड्रामा ये हालेलुया हालेलुया। और जिस सिस्टर का नाम बिंदर है और जो वीरके के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि जे 28 अगस्त को फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए थे और अभी जिस सिस्टर को मिनिस्ट्री में आते हुए चर्च आते हुए 1 महीना हो गया है और जे लगातार ही संडे की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और जिस सिस्टर की प्रॉब्लम ये थी, इन्होंने बताया कि 1 साल हो गया था कि इनको खांसी की प्रॉब्लम थी जिसके कारण इन्होंने 1 साल से बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन खाई थी और जिसके कारण ये बता रहे कि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ये बता रहे कि डॉक्टर ने इनको कहा कि आपने इतनी मेडिसिन भी खा ली है पर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपने ऐसे करना है कि आप टेस्ट करवाएँ। और जैसे जिस सिस्टर ने टेस्ट करवाया और पहले हम उस फर्स्ट रिपोर्ट को देखेंगे और जो इनका एक्सरा है अच्छे से दिखाओ, पहले हम एक्सरे की रिपोर्ट को देखेंगे और जो एक्सरा है इसमें टीवी की प्रॉब्लम आई थी और जो इनका जो रिपोर्ट है। अरे ये बोल रहे हैं वो चीज से दिखाओ, पहले वो बोले एक्सरा दिखाओ, तुम रिपोर्ट दिखा रहे हो। हाँ दिखाओ, और जो ये रिपोर्ट है डॉक्टर ने बताया था। रिपोर्ट दिखाओ भाई, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसमें इनको टीवी की प्रॉब्लम है जिसके कारण जो इनकी खांसी की प्रॉब्लम थी वो सही नहीं हो रही थी और जैसे ही इनको टीवी की प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 9 महीने तक मेडिसिन खानी पड़ेगी, अगर आप मेडिसिन खाने से अच्छी हो गई तो ठीक है, बाद में हम बताएंगे फिर क्या करना है। और 6 महीने हो गए थे कि जो सिस्टर लगातार ही मेडिसिन खा रहे थे पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे जो सिस्टर काफ़ी परेशान थे और जैसे जो सिस्टर ने 22 सितंबर की मीटिंग में आए थे जब जो सिस्टर और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उस समय जो सिस्टर पर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया और क्योंकि उस दिन उन्होंने फॉर्म फिल कराया था अपनी इस प्रॉब्लम के लिए, इनको शुगर भी थी और ये जो बता रहे कि इनके पाँव में दर्द भी रहती थी। और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। टीवी की प्रॉब्लम है और इसके पैरों में दर्द है जो इसको शुगर है। चल शैतानी आत्मा, चलो खड़ जा, शर्त शर्त शर्त, चल यीशु के नाम से आज्ञा करता हूँ, चल जड़ से, द नेम ऑफ जीसस। आज शैतान तेरा लास्ट दिन है, आज तेरा लास्ट दिन है, आज तेरा लास्ट दिन है। चल इसके अंगों से जो तूने अलग अलग प्रकार की इसे बीमारी दी है, जो तूने टीवी की बीमारी दी है, इसे शुगर दी है, इसके पैरों को तूने जकड़ा है, चल उखड़, चल चल उखड़। ओए शैतान बोल, कौन है तू? बोल क्या नाम है तेरा? बोल क्या नाम है तेरा? बोल क्या नाम है तेरा? क्यों जकड़ा तूने इसे? क्यों पकड़ा तूने? ये टीवी तूने दी है? बोल, ये टीवी तूने दी इसे? हाँ,
ये टीवी की बीमारी तूने दी है ना, बोलो ओए शैतान, ये टीवी तूने दी है? हाँ, ये किसने दिए फिर? कौन है, क्या नाम, क्या तेरा क्या नाम है, क्या तेरा? दुपट्टा से क्या नाम, क्या है तेरा शैतान, नाम क्या है तेरा? चल बीमारी देने वाली आत्मा, चल चल छट छट छट, आ तू पकड़ा गया है, आ तू पकड़ा गया है, और तेरा आज लास्ट दिन है, चल आज तेरा लास्ट दिन है, चल आज तेरा लास्ट दिन है, उखड़ छट, गंदी आत्मा निकल इसके अंगों से, निकल बीमारी देने वाली आत्मा, चल चल तू यीशु के पांव के नीचे और मेरे भी है, चल छट छट, कोई पखंड नहीं, चल उखड़ उखड़ उखड़, गंदी आत्मा उखड़ उखड़ पूरी तरह से, आज से आज तेरा लास्ट दिन है, चल 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 चल। अच्छा ऐसा चल, है कौन तू, है कौन तू, हाँ इधर देख, तेरे सामने कौन है, देख देख देख, इधर देख भाई, तेरे सामने कौन है, हाँ देख तेरे सामने कौन है, देख इधर आके खोल, आके खोल अपनी, देख इधर देख, इधर देख सामने, चला देख, चला चल छट छट छट, चल 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 छट, चल बोल 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 बोल, कि नाम की है तेरा, क्या नाम है तेरा, ये टीवी तूने दी है ना इसे, हाँ बोल, टीवी तूने दी है, शुगर भी तूने दी है, इसके पैरों में जो दर्द है वो तूने दी है, चल फिर आज आज तेरा तेरा लास्ट दिन है, चल इसकी, चल इसके अंगों से, इसके पैरों से जो शुगर जो टीवी तूने दी है तुझे मैं आख्या करता हूँ, क्योंकि तुझ पर खुदा ने मुझे अधिकार दिया है, उसी अधिकार के साथ मैं तुझे इसके अंगों से इसकी बॉडी से उखाड़ता हूं शैतान, उखड़ शट, इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री 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 फ्री, तू गया नहीं अभी तक, हाँ और जैसे क्यों नहीं गया, तू के लिए प्रार्थना हुई नहीं लगता, और उसी समय जब हाँ दुष्ट आत्मा इन पर हैवी हो गया, और जैसे ही क्योंकि जो नेगेटिव पावर के कारण जो इनके जीवन में जो बीमारियां थी, और जैसे अभी इन्होंने फिर जो धन्यवाद में बने रहे प्रार्थना करते रहे, फिर इन्होंने फिर टेस्ट करवाए, और अब हम इनकी सेकंड रिपोर्ट को देखेंगे, और जो इनका एक्सरे है जिसमें डॉक्टर ने कहा है कि जो इनकी टीवी अभी बिल्कुल नॉर्मल है, अभी इस रिपोर्ट को भी देखेंगे, जी वो रिपोर्ट है अभी इसमें नॉर्मल टीवी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से भी इनको फ्री किया है, प्लस जो इनकी शुगर थी वो जब बताते कि रिपोर्ट को अच्छे से दिखाओ, ओके, और जो इनकी शुगर थी वो 500 से प्लस होती थी, अभी जो बता रहे कि अभी इनकी शुगर भी नॉर्मल है, इनके पाँव में जो दर्द रहती थी और परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया है, और इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते, और सच में हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो सुनो सुनो, आपको पता है इस संसार में जब दुष्टात्मा किसी के ऊपर आता है तो लोग कहते हैं ये डरामा है, ये पखंड है, वो लोग कहें ये डरामा ये पखंड है, अरे इस बहन को पूछो जो ये कि ये कब से ये आपको प्रॉब्लम थी, देना माइक इनको, पापा जी जय मसीह की, जय मसीह की, ये जब मैं चर्च नहीं जानती मैंने उदो हो जाता पापा, मैं कितना टाइम हो गया है, ये बचपन तो ही है पापा जी मेरी, अच्छा बचपन से, नहीं आपको खांसी आती थी पहले, आप उसकी हाँ जी मेडिसिन लेते रहते थे, हाँ जी लेते रहते, आपने अभी ये चेक करवाया रिपोर्ट करवाई कि पहले भी कभी करवाई थी, पहले करवाई सी थी टीवी आई सी फिर करवाई, हूं सही आया,
ओके नहीं आज से कितने साल पहले रिपोर्ट करवाई थी? छह महीने पहले भी आपने रिपोर्ट कराई थी, तब भी उसमें टीवी आई थी। हाँ जी। और जब आपको यहाँ पे आते कितना समय होगा? महीना है सर। एक महीना हुआ। हाँ जी। और आपने देखा अभी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई, क्या आ गई उस दिन? कौन सी मीटिंग, कितनी तारीख थी? 22 सितंबर। 22 सितंबर, ठीक है। तो जब दुष्ट आत्मा ऊपर आ गई और मैंने पूछा कि तूने बीमारी दी है, बोलो क्या है? और जब दुष्ट आत्मा छोड़कर चलेगी, बोलो क्या है? जब दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई, फिर से इन्होंने रिपोर्ट कराई। अभी आपने देखा, एक्सरे भी दोनों देखे और दोनों रिपोर्ट भी देखी, पहले वाली और बाद वाले भी। अब वो नेगेटिव पावर, वो दुष्ट आत्मा जब छोड़कर गई, तो इनकी रिपोर्ट कैसे नॉर्मल आ गई? बोलो क्या आ गई? यही सत्य है जो हम लोगों को बताते, पर लोग मानते नहीं, विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं ये ड्रामा है, ये पखंड है। अरे जिसके साथ ऐसा है, जो उस प्रॉब्लम में झूस रहा है, बोलो क्या है? जिसके ऊपर ये तकलीफ है, इससे आपको क्या परेशानी रहती थी इस बीमारी की वजह से, थोड़ा सा बताओ। माइक तो नहीं। पापा जी उठा नहीं जाता, बहुत प्रॉब्लम होती, लत्तां बाहां बहुत दर्द होंगे, शरीर भी बहुत दर्द होंगे। जब मैं दवाई खा लेनी, मैं बिल्कुल होश नहीं रहती, मेरे घर दे भी बहुत गल्ला करते पापा जी। अब देखो इनके रोने से पता चल रहा है कि जो बंदा परेशान है, दुखी है। हाँ, लोग कहते ये ड्रामा, ये पखंड है। मेरे घर दे भी कहते तू ड्रामा कर दी, तेने कुछ नहीं होया। नो, हम किसी को गलत नहीं कहते, बोलो क्या है? हम किसी को गलत नहीं कहते, हम तो बस परमेश्वर का वचन बताते हैं। बोलो क्या बताते हैं? और उसी वचन से, उसी सच्चाई से आज इनका जीवन बदला है, धर्म नहीं। बोलो क्या है? इनका जीवन बदला है। भाई ये दुखी थे, ये परेशान थे, बोलो क्या थी? ये दुखी थे, ये परेशान थे, परमेश्वर इनका जीवन बदला। इनके रोने से पता चल रहा है कि ये बहुत परेशान थे। देखो जैसे ही दुष्ट आत्मा छोड़कर गई, अब रिपोर्टें नॉर्मल आ रही। ऐसे बहुत से ऐसे केसेस हैं, बोलो क्या है? ऐसे बहुत से केसेस हैं, समझे? बहुत से ऐसे केसेस हैं जब लोग रिपोर्ट कराते हैं, बंदा इतना बीमार होता है, उसकी हालत बुरी होती है, जब रिपोर्ट कराते हैं और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं। कईयों की ऐसे भी होती, इनकी तो रिपोर्ट में टीवी आ गई ना, कईयों के साथ ऐसे होता है रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आता, ऐसी भी दुष्ट आत्माएं होती है। समझ आ रही है? पर धन्यवाद या उस परमेश्वर का जिस पर इन्होंने विश्वास किया, और उसके आत्मा की सामर्थ्य ने इन्हें डिलीवर किया, आजाद किया। आज कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं है, बताओ? आज कोई प्रॉब्लम है? कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ दर्द नहीं है। आप पूरी तरह फ्री हो? हाँ जी। पूरी तरह फ्री हो? हाँ जी। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए जोर से तारीफ करो उस खुदावन की, जोर से, जोर से। यीशु दी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, ओदे अके बीमारी